काशी विद्वत परंपरा से डॉक्टर माधव दत्त पांडे जी हमारे साथ हैं। माधव जी, आप तहखाने के पास गए, पूजा अर्चना भी किया, क्या क्या देखा आपने? वस्तुतः वहाँ जो देखा मैं, अभी सामान्य जनता के लिए गेट खुला नहीं है, लेकिन हमारा पूजन अर्चन वहाँ प्रारंभ है। जैसे रात्रि में भी वहाँ आरती हो गया, सुबह भी आरती हुई है, मध्याह्न में भी होती रहेगी, सायंकालीन और रात्रि में भी होती रहेगी। यानी यह अब प्रक्रिया अनवरत चलती ही है और यह काल रात्रि छठी है। जो कल सायंकालीन निर्णय आया माननीय न्यायालय का, उसने काल रात्रि को विदा किया है। यह इतिहास में हमारे जो धार्मिक, जब सांस्कृतिक इतिहास हम पढ़ते हैं, तो यह पेज एक तरीके से हमें धूमिल लगता था, लेकिन कल का जो संध्या न्यायालय ने उस पेज पे उट्टंकन किया, आज का जो सुप्रभात है उसको स्वर्णिम अक्षर में बदला है। आज का सुप्रभात, वस्तुतः सुप्रभात हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए, हम सनातनियों के लिए, विश्व के सनातनियों के लिए, भारत के लिए यह सुप्रभात है। अच्छा, वो जो दरवाज़ा खोला गया है, वो दरवाज़ा किसके तरफ है? बताया जा रहा है कि बड़े नंदी का जो मुख है वहाँ से खोला गया। जो बड़े नंदी जी विराजमान हैं, जो कि अनवरत शाश्वत विराजमान हैं, वो तो बाबा नंदी के मुख की तरफ, जो वहाँ लोहे के चैनल लगे हुए थे, उसको काट करके दरवाज़ा बंद खोल दिया गया है। एकदम सुंदर वेल्डिंग वगैरह करके एक उसमें जाने आने के लिए प्रबंध किया गया है। और माननीय सरकार का, माननीय न्यायालय का हम सब लोग बड़े आभारी हैं। एक हमें तहखाने के पास गए थे, जी तहखाने के पास मैं गया था, नंदी भगवान के पास गया था, वहाँ से देखा नंदी बड़े, मतलब हमेशा से नंदी जी भी आज बदले हुए नज़र आ रहे हैं। लग रहा था कि नहीं, नंदी जी मुस्कुरा रहे हैं, जनता ही नहीं मुस्कुरा रही है, जनता ही नहीं प्रसन्न है। हमारे नंदी देव को जो मैं देखा, तो हमें लगा कि नंदी देव खुद प्रसन्न है, आप पर बैठे हैं। आज वर्षों की प्रतीक्षा हमारे नंदी भगवान की। आज एक हमें याद आ रहा है श्लोक, जब मैं यहाँ पढ़ता था बचपन में, तो रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। यह एक श्लोक में पढ़ा था कि रात्रिर्गमिष्यति, रात्रि बीतेगी, भविष्यति सुप्रभातम्, सुनहरा सुप्रभात होगा, और भास्वानुदेश्यति, भगवान भास्कर का उदयमान होगा, हसिष्यति पंकजश्री, और जब उदयमान होगा भास्कर का तो कमल खिलेगा। आज वही हुआ है कि इस सुनहरे सुप्रभात में कमल खिला है और उसी कमल से भगवान विश्वनाथ का सदैव अर्चन होता रहेगा। यह मेरे बात को थोड़ा संकेत में लिया जाए, और यह संकेत स्पष्ट मैं बोलता हूँ कि बहुत खुशी है कि ऐसे ही कमल से हम अर्चन करते रहें। हमें गर्व है उस कमल पे, सृष्टि का प्रथम सृष्टि। देखिए, ये वो शख्स हैं जो तहखाने के द्वार खोलने के बाद पहली बार अंदर गए और विधिवत पूजा अर्चना की है। हालांकि इनका कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक सामने जो नंदी का मुख है, उस तरफ ये द्वार खोला गया है, वेल्डिंग किया गया है और एक गेट बनाया गया है, और वहीं से आम दर्शनार्थी पूजा अर्चना करने जाएंगे। वीडियो दीपक के साथ आकाश यादव, इंडियन न्यूज, वाराणसी।